नमस्कार। एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी जो देश को और देश के बच्चों को एक नई दिशा देगी। इतना ज्ञान और इतना उसमें एक सारांश छिपा हुआ है जो बच्चों के काम आएगा, बड़ों के काम आएगा। देश में भ्रष्टाचार जैसी जो चीज़ है उसको दूर करने में सहायक होगी। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बहुत गरीब आदमी एक शहर में रहता था। खाने पीने का अभाव था, रोजगार नहीं था। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, देश में रोजगार नहीं है या गरीबी है, ठीक इसी प्रकार वो गरीब आदमी, आप ये मानकर चलिए कि देश का एक गरीब आदमी है और उसके साथ ये घटना हो रही है, उससे जोड़ करके आप इसको देखिए। तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आप कुछ व्यापार कर क्यों नहीं कर लेते? तो बस मन में विचार आया कि लोग क्या कहेंगे, अखबार बेचो, पान की दुकान करो, आलू बेचो, सब्जी बेचो, मूंगफली बेचो। तो बोले, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम जमा पूंजी नहीं है, पहले बिजनेस में कुछ लगाना पड़ता है। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैंने बहुत दिनों से 10 रुपये इकट्ठा किए हुए रखे थे, आप ऐसा करो ये 10 रुपये ले लो और लेकर के इसी से कुछ बिजनेस शुरू करो। बोले ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो मन बनाया उसने कि मैं बिजनेस शुरू करूँगा। जो मन बना लेता है, समझ लो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ गया हो। बहुत से लोग विघ्नों के भय से काम शुरू ही नहीं करते। तो जब आप काम शुरू करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो पहली सीढ़ी, पहली शिक्षा। दूसरी बात, वो जब निकला घर से, जब जा रहा था तो एक मार्ग में, ऐसे मार्ग से गया जहाँ थोड़ा सा जंगल था। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे मनुष्य, तू कौन है और कहाँ जा रहा है, मेरी बात सुनकर जाओ। उसने इधर उधर देखा तो एक महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे हैं। उन्होंने कहा, बेटा इधर आओ मेरे पास। वो महात्मा जी के पास पहुंचा, संत थे, तेजस्वी, कि बेटा मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा, इन 5 बातों को अपने जीवन में बार बार उतारना है, जीवन में इनको यूज करना है, इन बातों पर अमल करना है। बोले ठीक है महाराज, कि तेरी जेब में 10 रुपये हैं? बोले हाँ। ये 10 रुपये हमें दे दो। बोले प्रभु ले लो। 5 बातें बताई और 10 रुपया फिर बाद में उन्होंने वापस कर दिया उस गरीब आदमी को। पहली बात क्या बताई कि 4 आदमी समाज के गणमान्य व्यक्ति हों, बुद्धिमान हों, अगर 4 मिलकर के कोई आपको परामर्श दे रहे हों तो 4 आदमी की बात कभी भी मना नहीं करना, उसको मान जाना चाहिए। क्योंकि लिखा है पंच परमेश्वर, 4 आदमी कोई कहेंगे तो वो परमेश्वर की वाणी है। वॉइस ऑफ पब्लिक इज वॉइस ऑफ गॉड। पब्लिक की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। उसके बाद वो कहा, दूसरी बात ये है कि जब कोई व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, उस रोजगार में आप, आपकी ड्यूटी क्या क्या है, क्या क्या काम करना होता है ड्यूटी के दौरान, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, ये सब बातें अपने रोजगार से संबंधित अपने परिवार में डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। अपनी पत्नी परिवार को ये सब बातें मत बताओ, क्योंकि उनका इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। तीसरी बात ये कही कि इस देश का जो राजा है, यानी कि जो आपका हकीम है, आपका जो ऑफिसर है, जिसके अंडर में आप काम करते हैं, जो प्रतिपालक सोई नरेशु, जो जहां बसहु सो सुंदर देशु, यानी कि जिसके अंडर में काम कर रहे, जिसकी नौकरी कर रहे हो आप, उसके अधीन उसकी आज्ञा का पूरा पालन करना है, नहीं तो आपको हानि होगी, नौकरी में नहीं रखेगा, कोई निकाल देगा, इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसकी बात मान जाओ।
और उसके सामने हमेशा सच सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। और चौथी बात क्या बताई कि दो आदमी कहीं गलत काम कर रहे हैं, दो आदमी गलत काम कर रहे हैं, वो किसी को भी जोड़ सकते हो आप, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। दो आदमी हों और गलत काम कर रहे हों, उसको अनदेखा कर दो, ऐसा महसूस कराओ कि हमने तो देखा ही नहीं है। ये चौथी बात थी। अब पांचवी बड़ी काम की बात है। पांचवी बात यह है कि जब आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं तो रास्ते में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म स्थान, जैन मंदिर, बौद्ध का, किसी का भी कोई धार्मिक स्थल है, जब आप उसके सामने से गुजरते हैं तो उसके सामने एक सेकंड के लिए रुक करके हाथ जोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ें। ये शास्त्रों का नियम है, हर जगह ये बात लागू होती है और ये पालन करनी चाहिए सभी को। ये बात भी महात्मा जी ने बताई, ये पांच बातें बता करके कहा, बेटा अब जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। इन पांच बातों को जीवन में अपनाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे। इतना सुनकर के वो व्यक्ति थोड़ा सा आगे चला। चार व्यापारी आ रहे थे सामने से। चारों व्यापारियों ने कहा, भाई इधर आओ, तुम इसी गांव के रहने वाले हो? बोले हाँ। कि हमारा काम करोगे? तो महात्मा की बात याद थी कि चार आदमी कोई बात कहें तो उसको मान जाओ। कहा, हमारा जो आप कहोगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कि हम पांच आदमी थे, व्यापारी हैं, रेगिस्तान से होकर के आ रहे हैं, एक हमारा साथी था वो बीच में मर गया, तो अब हमारे सामने दिक्कत ये आई, उसका दाह संस्कार करना है। और ये नदी बह रही है थोड़ी दूर पर, इस नदी के किनारे पर आप इसका दाह संस्कार कर दीजिए, उसके लिए जो भी लकड़ी या दाह संस्कार के लिए जो भी सामान है वो पैसा हमसे ले लीजिए। ले लिया, पैसा ले लिया, और उस दाह संस्कार करने के लिए जो डेड बॉडी है उसको नदी के किनारे ले गया और एक ब्राह्मण को बुलाया कि महाराज, दाह संस्कार करने की विधि आप जानते हैं, इस विधि विधान से इनका दाह संस्कार कीजिए। जब दाह संस्कार करने लगे तो मुर्दे को स्नान कराया जाता है। स्नान कराते समय वो जो व्यापारी जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी धोती को खोल करके उसको स्नान कराना था, उसमें कुछ सोने की मुद्राएं, मोहरें, सिक्के सोने के बंधे हुए थे। पंडित जी ने कहा, बेटा ये जो सोने के सिक्के हैं ये आप ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये आपका है, आप इसको जलाते नहीं हैं। वो सोने की कुछ मुद्राएं ले करके अपने पास रख ली, दाह संस्कार करके सीधा अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी पत्नी ने उसे पूछा, कहाँ थे, कौन सा बिजनेस शुरू किया आज और क्या कमाया? तो इसने सोने के सिक्के दिखाए। बोले, ये लाया हूँ कमा करके। बोले, कहाँ से लाए? तो उसने सोचा कि महात्मा ने बताया था अपने परिवार के लोगों को अपने रोजगार की बात नहीं बताना सच सच, तो धीरे से टाल दिया और कहा कि राजा ने मुझे ये दिया है इनाम में खुश होकर के। तो उसकी पत्नी के पेट में वो बात हजम नहीं हुई। थोड़ी देर बाद अपनी पड़ोसन को बुलाया, देखो बहन जी, मेरे आदमी कहीं गए थे व्यापार करने और इतने सोने के सिक्के लेकर आए हैं, अब तो भगवान की कृपा हो गई हमारे ऊपर। उस औरत ने ईर्ष्या के वशीभूत अपने पति को बताया और उसका जो पति था वो राजा के यहाँ द्वारपाल था, कर्मचारी था। उसने अगले दिन राजा को कहा कि महाराज, मेरा जो पड़ोसी है उसके पास कुछ सोने की मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, वो कहाँ से लाया ये पता नहीं, लेकिन वो आपका नाम ले रहा है कि राजा ने दिए हैं। राजा के चौकन्ना हुआ, बुलाओ। राजा के दरबार में उस व्यक्ति को बुलाया गया और राजा के समक्ष जब प्रस्तुत किया गया तो उसके दिमाग में आया, महात्मा जी ने ये बताया था कि जो राजा है या जो बड़ा अधिकारी होता है उसके सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना, सच सच बातें बतानी है। वही स्टोरी जंगल में जाने वाली महात्मा की और दाह संस्कार वाली,
स्टोरी बताई। राजा ने सोचा बड़ा ईमानदार आदमी है और बात भी बिल्कुल सच कह रहा है, इसीलिए राजा ने कहा भाई तू तो बहुत सच्चा आदमी है, कल से तू मेरा द्वारपाल बनेगा, ये नौकरी गेट पर तुम करोगे, तुम सच्चे आदमी हो। और ये जो आदमी मुझे गुमराह कर रहा है कि पड़ोसी चुगली मार रहा है आपकी, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो इस प्रकार उस महात्मा जी की बात बताने से इसको एक पद मिल गया, वो भी राजा का पद, पड़ोस राजा का द्वारपाल का पद। राजा की सेवा करने लगा, राजा का बहुत प्रिय बन गया एक महीने के अंदर अंदर। कुछ दिन के बाद राजा विदेश में गया घूमने के लिए और इसको कह कर के गया कि तुम्हें राज्य की चारों तरफ सड़कों का, मेरे महल का चारों तरफ ध्यान रखना है। ये बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो रात को जब ये भ्रमण कर रहा था ड्यूटी के दौरान, तो उसी राज्य का एक मंत्री राजा के घर में से आ रहा था और वो रानी भी उसी महल में थी। तो उन दोनों को, रानी को और उस मंत्री को, ये संदेह हुआ कि इस द्वारपाल ने हमें देख लिया और ये राजा का सबसे अधिक विश्वास पात्र है और ये राजा को जरूर बताएगा। इसीलिए उन दोनों ने ये प्लान बनाया कि इसको मरवा दिया जाए अभी हाथों हाथ। रानी ने और उस मंत्री ने नगर के बाहर एक जल्लाद होता है जो गर्दन काटता है लोगों की, दंड देता है, मृत्यु दंड, उसको कहलवा करके सूचना दी कि सुबह 4 बजे तेरे पास एक आदमी आएगा, उसकी गर्दन काट करके हमारे पास लेकर आना। और इसको जो द्वारपाल है राजा का विश्वास पात्र था, इसको कहा कि तुम सुबह 4 बजे भोर में सुबह सुबह जल्लाद के पास जाओगे और जा करके बस जाना है आपको और कुछ नहीं, फिर आ जाना। वो आज्ञाकारी था, सोचा रानी ने आदेश दिया है, नौकरी करनी है, आदेश मानना है। सुबह 4 बजे चल दिया, 10-5 मिनट का रास्ता रहा होगा, रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, आरती हो रही थी, घंटी घड़ियाल बज रहे थे, तो याद आया महात्मा की बात कि एक मिनट के लिए ठहर करके वहाँ हाथ जोड़ करके मत्था टेक करके तब आगे बढ़ना चाहिए। वो वहाँ खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करना, मेरी रक्षा करना। उसी समय जो पंडित जी वहाँ थे उन्होंने देख लिया ये राजा का द्वारपाल है, सबसे प्रिय, तो कहा महाराज लो प्रसाद लेकर जाइए। तो इस चक्कर में 1 या 1.5 मिनट फालतू लग गए उसको। उधर वो जो मंत्री था वो बेचैन विचलित अचंभित था और विचलित था कि कहीं ऐसा ना हो ये पहुँचे या ना पहुँचे टाइम से, इसलिए देखने के लिए चलता हूँ। पीछे पीछे से मंत्री भी देखने के लिए चल दिया और ये मार्ग में रुक गए मंदिर के अंदर। तो जैसे ही अंधकार के का समय था, जल्लाद के पास मंत्री जी गए और मंत्री जी की गर्दन उसने काट दी जल्लाद ने। फिर पीछे से ये गए द्वारपाल, तो वहाँ जल्लाद नहीं मिला। फिर वापस आया द्वारपाल तो रानी के महल में मंत्री जी की कटी हुई गर्दन और जल्लाद वहाँ खड़े हुए थे। द्वारपाल ने कहा रानी माँ, आपने अच्छा नहीं किया और ये सारी बातें राजा को बताऊंगा। राजा अगले दिन आए, राजा को सब वृत्तांत कह सुनाया द्वारपाल ने कि महाराज रानी माँ और मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, उसने अपनी पत्नी पर विश्वास ना करते हुए अपनी पत्नी की हत्या की और स्वयं संन्यास लेकर के जंगलों में चला गया और राज्य का कार्यभार सारा का सारा इस द्वारपाल को सौंप दिया, ये राजा बन गया। तो इन 5 बातों को सुनकर एक व्यक्ति एक राज्य का राजा बन सकता है, ये कहानी इसलिए सुनाई गई है
कि जब मनुष्य सत्य बोलता है तो सत्य में वजयते नान्द्रितम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य कल भी सच था, आज भी सच है, कल भी सच रहेगा। और सच को याद करना नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या बात कही थी उसको वो मैं याद रखूं, जो सच झूठ को याद करना पड़ता है, यार मैंने कल क्या बताया था इसको आज वही बात कहूँगा, नहीं। इसीलिए सच बोलने से कोई आज तक पराजित नहीं हुआ, मरा नहीं है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो इसीलिए मनुष्य को सच बोलना चाहिए। आज आप देखते होंगे लाई डिटेक्टर जो रखते हैं, वो लाई डिटेक्टर इसलिए कि सत्य का पता लगाने के लिए, जब मनुष्य के ब्रेन के अंदर एरर आ जाता है तो वो लाई डिटेक्टर पहचान लेता है। तो आज इस कथा में इतना ही। तो शुभकामनाएं, धन्यवाद। आशा है आप अपने बच्चों को ये सब कहानी सुनाइए और खुद भी इसका प्रचार और प्रसार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।